वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सन्मानयोग गुरु रूप सत्संग जीओ, लड़ीवार जो जपजी साहब दी विचार आप सरवण कर रहे हो, जपजी साहब विच कुछ मजमून ऐसे ने मेरे पातशाह ने उस दे उते चार चार पौड़ियां उच्चारण कीतियां ने। प्रथम सुनिए दियां चार पौड़ियां, फिर मनिए दियां चार पौड़ियां, फिर कुदरत दे विचार दियां चार पौड़ियां। कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। ए चार पौड़ियां, फिर होर चार पौड़ियां ने आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाहद, जुग जुग एको वेस। इको ही मजमून दियां चार चार पौड़ियां हैं। लगता है विशा खास सी, मजमून खास सी। सुनिए दी पौड़ी आज तो आरंभ होनी है, कल दी पौड़ी दोहरा दईए जो आपने सरवण की थी। जे जुग चारे आर जा होर दसोनी होए, मनुख दी मूल मंग सब तो पहले मंग लंबा जीवन दी है। भावे दुख है तावी जीवना है, भावे रोग है तावी जीवना है, भावे सोग है तावी जीवना है, भावे समस्यावां ने तावी जीवना है, भावे कल कलेश है तावी जीवना है। जीवना चाहिदा है, जीवन दी मंग है, जीवन दी लालसा है। कलेश है ते होवे पिया, दुख है ते होवे पिया, रोग देच जी लवांगे, सोग देच जी लवांगे, कलेश देच जी लवांगे, कल्पना देच जी लवांगे, संताप देच जी लवांगे, जी लवांगे। जीवना चाहिदा है। जीवन दी लालसा बड़ी प्रबल। इस संबंध च दो तरह दे मनुख कोशिश करदे रहने कि मनुख दी जिंदगी लंबी होवे। प्रथम आयुर्वेद आचार्य इस तरह दे कुश्ते लभदे रहने, इस तरह दा जल लभदे रहने, इस तरह दियां जड़ी बूटियां लभदियां रहियां ने, लभदे रहने। जे कम से कम मनुख नूं मरण तो नहीं बचाया जा सकदा ते उम्र ते लंबी कीती जा सकदी है। तो आद काल तो आयुर्वेद आचार्य जड़ी बूटियां दी खोज करदे रहने, तरह तरह दे कुश्तियां दी खोज करदे रहने, तरह तरह दियां औषधियां दी खोज करदे रहने, तरह तरह दे जल दा भी वह निरीक्षण करदे रहने। किसे पानी नाल शायद उम्र वधदी होवे, किसे सरोवर दे जल नाल, किसे नदी दे जल नाल, किसे झरने दे जल नाल, किसे विशेष पानी नाल। एक कोशिश ते ए बैरूनी रही है, आदि काल तो किसे न किसे रूप च हुण भी जा रही है। दूजी कोशिश ए रही है धार्मिक लोगां दी, भी किसे तरीके नाल जीवन नूं मौत तो बचाइए ते जीवन नूं लंबा भी करिए। लालसा दोहां दी कोई, चाहे वह आयुर्वेद आचार्य सन ते चाहे धार्मिक लोग सन। ज्यादा जीवना है, क्यों जीवना है, इसका कुछ पता भी नहीं। धार्मिक अनुभवी पुरुष कहते ने सानू कोई ना जाने सानू बहुत दुख दुख होंदा है, भई इत्थे ते सानू कोई जानदा ही नहीं। पर धर्म का एक सवाल है, क्या तू खुद अपने आप नू जानदा है? जे मैं अपने आप नू ना जाना तो कितना दुख हो सकता? अंदर बहुत वड्डा दुख है, क्योंकि मैं नहीं जानता अपने आप को। मैनू कोई ना जाने ये दुख मैं बाहरों मनदा, मैं अपने आप नू ना जाना ये दुख अंदरों पैदा होता है। दूसरी जीवन लंबा होवे ते दूजी मंग ये है, सारी दुनिया मैनू जाने।
ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰ ਜਾ ਹੋਰ ਦਾ ਸੋਹਣੀ ਹੋਏ। ਉਮਰ ਇਤਨੀ ਹੋਵੇ ਚਾਰ ਯੁੱਗਾਂ ਵਰਗੀ, ਹੋਰ ਦਸ ਗੁਣਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਆਪ ਕੱਲ ਸਰਵਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਹੋਰ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਹੀ ਲੰਬਾ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੇ। ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਭ ਬੇਗਾਨੇ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਏਗਾ। 5 ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਨੇ, ਪਕਸ਼ੀ ਵੀ ਨੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਗੈਬੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਵੀ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਇਸਦੀ ਇਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੋਵਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੇ। ਕਿਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੇ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਥਨ ਮੁਤਾਬਕ 9 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, 9 ਟੁਕੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ 9 ਟੁਕੜੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੂਲ ਮੰਗ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਨਾਲ ਚਲੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਅਗਵਾਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਨ, ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਵਣ, ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਵਣ। ਨਾਲ ਚਲੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਰਖਾਏ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਬੋਲ ਨਿਕਲਣ। ਜਸ ਕੀ ਰਥ ਜਗਲੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੀਰਤੀ ਸੁਣੇ ਤੇ ਜਸ ਲਵੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕੀ ਮੇਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਆਖਣ। ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਚੰਗਾ ਆਖਣ। ਮਹਾਂ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾਚਾਰੀ ਆਖਣ, ਚੰਗਾ ਆਖਣ। ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੁੱਖ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਖ ਲੰਬਾ ਜੀਵਣਾ, ਦੂਸਰੀ ਬੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਨ, ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਬੁੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਪਮਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਸ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੋਵਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ।
ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਪ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ, ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਇਹ ਸੀ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕੁਫਰ ਹੈ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ, ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਊੜਾ ਐੜਾ ਹੀ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। 20-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਹੇ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਕੂਲ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਧਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਧਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਾਪੇ ਜਾਉ ਆਪ ਛੁਟਕਾਵਨ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਏ ਫੰਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਬੰਧਨ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ, ਔਰ ਸਿਆਪੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਧਨ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਦੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਾਂ ਪੇ ਜਾਉ ਆਪ ਛੁਟਕਾਵਨ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬਾਂਦੇ ਮੋਏ ਫੰਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਗਰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਸਤੇ ਦੀ ਤਰਫ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ, ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ, ਬੋਧੂਆਂ ਦੇ। ਧਰਮ 'ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਬੰਧਨ ਹੀ ਬੰਧਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਮੈਂ ਉਤਨਾ ਹੀ ਆਖਾਂਗਾ ਜਿਤਨਾ ਪਚ ਸਕੇ, ਜਿਤਨਾ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਸਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੰਧਨ ਹੀ ਬੰਧਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਪੇ ਜਾਉ ਆਪ ਛੁਟਕਾਵਨ ਤੇ ਬਾਂਦੇ ਮੋਏ ਫੰਦਾ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਤੋੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ 2-3 ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਜ ਕਰ ਇੰਜ ਕਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਥੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰ ਕਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ, ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ ਮੈਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੂਲ ਮੰਗਾਂ ਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜੀਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜੀਵਾਂ। ਰੋਗ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੋਗ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੋਗ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੋਗ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਲੇਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੰਤਾਪ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ 'ਚ ਜੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਕਲੇਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਕਲਪਨਾ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਰੋਗਾਂ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ 4 ਯੁਗਾਂ ਵਰਗਾ, ਸਿਰਫ 4 ਯੁਗ ਕਿਉਂ, ਹੋਰ ਦਸਾਉਣੀ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਦਸਾਂ
गुणा विच वधा के बयान करिए 40 युग इतनी उम्र होवे, सिर्फ इतनी उम्र ही ना होवे सारे मैनू जानन, हर एक दी जबान ते मेरी चर्चा होवे। मनुख दा दूजा उपराला ए है, मैं फिर अर्ज करा, बहुत दुखी हो जांदा बंदा जिथे इस नूं कोई ना जाने, कोई नहीं जानता भी सब ओपरे ने सब बेगाने ने। ते मनुख इस छोटी जी जिंदगी दे किन्नियां नूं अपना कर सकता है, किन्नियां नूं कर लेगा। पातशाह दी बाणी कहिंदी है, एक नूं अपना बना सब अपने ने, एक सज्जन सब सज्जना, एक वैरी सब बात। एक अपना ते सारे अपने ने, एक नाल रिश्ता कोई नहीं ते किधरे भी कोई रिश्तेदारी नहीं, किधरे भी कोई संबंध नहीं, किधरे भी कोई अपणंत नहीं होवेगी। एक सज्जन सब सज्जना, एक वैरी सब बात। एक नाल वैर है, एक नाल कोई संबंध नहीं, तो वाद विवाद दे सारे नाल जिंदगी बतीत होवेगी, और कुछ भी नहीं। एक सज्जन, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, हुण सारे ही सज्जन दिखाई देते हैं, जिस दिन का एक सज्जन बनया। सबको मीत हम आपन कीना, हम सब ना के साजन। कहा जा सकता है सारे ही थोड़े सज्जन ने, ते थानू तत्ती तवी ते किसने बिठाया, सारे ही थोड़े सज्जन ने, एक गरम गरम रेता शीश दे किसने पाया। इसनू इस तरह लवांगे, सतगुरु दी तरफों ते सज्जन ही ने सारे। जहांगीर वैरी समझदा ते समझे पिया, चंदू वैरी समझदा ते समझे पिया। सतगुरु दा हिरदा पवित्रता नाल भरे आया, दोस्ती दे जज्बे नाल भरे आया, मित्रता दे जज्बे नाल भरे आया। इक आलम दा कहना है, सुनीदम के मर्दाने राहे खुदा। कहिंदा मैं सुनिया जिहड़े रब दे मार्ग ते चलदे ने, दिले दुश्मना ना कर दंद तंग। वो दुश्मन दे दिल नूं भी कदी तंग नहीं करदे, दुश्मन नूं भी चोट नहीं पहुंचांदे। तो राह की मुयस्सर शब्द ई मकाम, कि बादो सतानत खिलाफ अस्त जंग। तेनू ये रुतबा कदों नसीब होवेगा, तू ते अपणियां दा जीवना भी हराम कीता होया, तू ते अपणियां नूं भी चोट पहुंचा रहे। मैं ते सुने है जो रब दे मार्ग ते चलदे ने, वो जो उन्हां दे दुश्मन आउंदे ने उन्हां नूं भी जरब नहीं पहुंचांदे। तुरा की मुयस्सर शब्द ई मकाम, के बाद ओ सतानत खिलाफ अस्त जंग। तो मुख्तसर मैं अर्ज करा, सारे मैनू जानन, मान सन्मान लई सारा ब्रह्मंड मेरे अग्गे पिछे होवे। मनुख दी मूल चाहत, सारियां दी निगाहां थले मैं ही होवां, ते सारियां दी जबान दे उते मेरी चर्चा होवे। पर महाराज कहिंदे ने, जे तिस नदर ना आवई तां वात ना पुछे के। जे किधरे तू परमात्मा दी निगाह दे थले नहीं आया, उस दी नजरां दे थले आण दी कोशिश नहीं कीती, इस तरह दा तू यतन ही नहीं कीता, इस तरह दा तू उपराला ही नहीं कीता, तां परलोक विच तेरी किसे ने बात भी नहीं पुछनी। पर साहिब कहिंदे ने, निराश होण दी लोड़ नहीं, दुखी होण दी लोड़ नहीं। वो ऐसा महान परमात्मा है, दयालु है, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतियां गुण दे। निगुणियां नूं गुण दे देंदा है, गुणवानां नूं होर गुण दे देंदा है। इस तरह दा गुणवान, इस तरह दा दानी, इस तरह दा महान होर कोई नहीं दिखाई देंदा, कि थोड़ा जिहा भी कोई यतन करे तो उसनूं गुणवान बना दे, थोड़ा जिहा भी कोई यतन करे तो गुणा का सागर हो जाए, और उस दे अंदर गुण ही गुण होवन। गुण चानना है, औगुण अंधेरा है। गुण रोशनी है, औगुण अंधकार है।
गुण सुख ने औगुण दुख ने। गुण रस है औगुण बेरसी है। गुण गुलाब दे फुल दी तरह ने औगुण पत्थर ने बार है। औगुण हारा मनुख जिथे बैठा होवेगा चलेगा बोझल होवेगा बारा होवेगा बोझल होवेगा सिर ते उसके बहुत भार होवेगा। औगुण आंदा एक एक औगुण वजनी आंदा है हिरदे ते भी भार रखता है दिल दिमाग ते भी भार रखता है। एक एक औगुण ऐसा है जैसे एक एक मन का पत्थर मनुख दे सिर ते है। महाराज ते इथे तक कहिंदे ने विकार पाथर गले बांधे निंद पोट सिराए महासागर समुद्र लंघना पार ना परना जाए। विकारां रूप पत्थरां दी माला गल दे च पाई हुई है और निंदा दी पंड सिर ते चुकी हुई है ते लंघना है महासागर तो किवें लंघेगा ये किस तरह लंघेगा। इस वास्ते पातशाह कहिंदे ने हम देखां तैं डुबे अले मैं देखदा दुनिया गर्क हो रही है पर तेहा कोई ना सोजे जे तिस गुण कोई करे। इस तरह दा होर कोई नहीं दिखाई देंदा कि निगुणे नूं गुणवान बना देवे। सिर्फ उस दे नाम दा उचारण करे ते निगुणा गुणवान बन जाए उहदे सारे बंधन टुट जाण तो वो नाम उचारण कर सके आखिर करे की प्रेरणा कितों लवे किस तरह की प्रेरणा और कितों लवे। तो अगे ये चार पौड़ियां ने आप पहली पौड़ी का पाठ सरवण करो तुच्छ बुद्धि अनुसार मैं खुलासा करने की निमाणी कोशिश करांगा। हाँ जी सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ। इस पौड़ी दे अर्थ पहली पंक्ति तो नहीं शुरू होंदे कितों शुरू होंदे ने अखीरली नानक भगता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नास। ये अर्थ इतों शुरू होंगे। इस पौड़ी दी अस्थाई पंक्ति यही है मूल पंक्ति यही है और ये चार दफा गुरु नानक ने दोहराई है सुनिए दियां चार पौड़ियां। धर्म दी पहली पौड़ी धर्म दी पहली साधना सुनना है सुनिए मनिए मन कीता भाव तिन्ना चरना दते धर्म दी सारी साधना खड़ी है। इसनों योग शास्त्र दा कर्ता पतंजलि इंज कहिंदा है धारणा ध्यान समाधि। इसनू वेदांत शास्त्र दा ऋषि व्यास इंज कहिंदा है सर्वनन मनन निध्यासन। इसनू गुरु नानक इंज कहिंदे ने सुनिए मनिए मन कीता भाव। करीबन छे शास्त्रां दी विचार ते गुरु नानक दा सिद्धांत करीबन करीबन इत्थे मेल खा जांदा है। सर्वनन मनन निध्यासन व्यास धारणा ध्यान समाधि पतंजलि कर्मकांड ज्ञानकांड कर्मकांड उपासनाकांड ज्ञानकांड ऐसा उपनिषदां दे ऋषि कहिंदे ने वो भी तिन ते खड़े ने। धर्म दी सारी साधना इन्हां तिन्हां ते खड़ी है। योग जो बड़े व्यापक पद्धर ते मछंदर नाथ ते गोरख तो चलिया पर जिसका जन्मदाता पतंजलि है शायद आपनू पता होवे योग शास्त्र दा करता पतंजलि है। योग दियां सारियां विधियां उसने लिखियां ने योग दे सारे आसन उसे ने लिखे ने जिसनू असी इस देश देच योगा करके जानते हैं। तो एक तरीके की एक्सरसाइज है मन की साधना नहीं है यह भी मैं कर दिया कहते पे होंगे ने योगा कर रहे हैं। दो चार स्वामी विवेकानंद आश्रम दास ने देखे ने लॉस एंजलिस दे इतें भी उत्थे जो योग हो रहा है
किसी हद तक वो एक तरीके दी शरीर दी वर्जिश ही है और कुछ भी नहीं। शरीर लिए ठीक हो सकता है, मन दी साधना नहीं है। उस तो कुछ सिख साधुओं ने भी अपनाया हुआ है और वो भी योग दी मोर लांदे ने, भई असी योगा कर रहे हैं। योग साधना की है, उसके आसन कितने ने, वास्तविक ये सारी व्याख्या लिखी है ऋषि पतंजलि ने योग शास्त्र दे। उसनों फिर प्रचारिया मच्छंद्रनाथ ने और अगां चल के इस विधि नूं व्यापक तौर पर भारत विच फैलाया गोरख ने। मच्छंद्र नाथ ते गोरख दा इतना असर पिया, भरतरी भी लपेट दे चाया, गोपी चंद भी लपेट दे चाया। राजस्थान दे बड़े बड़े रजवाड़े इसकी लपेट च आए, मध्य भारत जो कहलांदा है यूपी दे रजवाड़े इसकी लपेट दे चाए, गोरखपुर शहर गोरख दे नां दा है। सारे नेपालियां नूं नेपाल नूं गोरखे आखे जांदे, गोरख नूं मनण वाले सन, गोरख दे बड़े बड़े मठ, गोरख दा व्यापक असर। पतंजलि इस सारी विचारधारा नूं तिन्नां ते खड़ा करदा है, धारणा ध्यान समाधि। उपनिषदां दे ऋषि तिन्नां ते खड़ा करदे ने, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। और फिर इसे तरीके नाल व्यास जो वेदांत शास्त्र दा करता है, कहिंदा है सर्वनन मनन निधे आसन। गुरु नानक इस नूं इस तरह बयान करदे ने, सुनी है मनी है, मन कीता भाव अंतरगत तीरथ मल नाव। अगे पंक्तियां आ जाणगियां और पिछे भी ने, पंजवीं पौड़ी च सुनी है मनी है, मन कीता भाव। वास्तविक इन्हां तिन्हां दे उते धन गुरु नानक देव जी महाराज ने धर्म दी साधना नूं खड़ा कीता। सुनो, प्रथम सुनो, और जो सुनन लई आया ही नहीं गुरुद्वारे, गुरुद्वारे आया ही नहीं, ये भी मैं अर्ज कर दें। पहली साधना ही है सुनना, सर्वनन मनन निधे आसन। सुनी है गुरुद्वारे आने का मूल मुद्दा सुनना। कई इत्थे भी गुटका लेके पाठ करन लग पैंदे ने कीर्तन दे च वी, ऐसा मैं देखिया सवेरे दे ठां कई थावां ते, वो ते घर भी कर सकदा सी। सुन, कीर्तन हो रहा है सुन, पाठ हो रहा है सुन, कथा हो रही है सुन। पर मैं अर्ज करां, यह पहला कदम ही औखा है, बहुत औखा है। की पहला कदम? सुनना। सुनना ही औखा है, कारण ये इतनी उच्ची गल है, इतनी उच्ची गल है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी चाहे पाठ दे रूप में सुनिए, चाहे कीर्तन दे रूप में, चाहे कथा दे रूप, सिर दे उपरों लंघदी है, तालमेल नहीं बैठता। कारण वो जो गल है कीर्तन दे च गुरु दी, कथा दे च, वो जो पाठ हो रहा है जिस बाणी दा, इतनी उच्ची, इतनी उच्ची सिर दे उपरों लंघदी है। हुण जिन्ने चिर तक मैं अपना सिर उच्चा ना करा, ते सिर उच्चा करना की है, स्रोत उच्ची करनी, सुनना। सुनन दे च बड़ी प्रबल लगन होवे, पूरा ध्यान होवे, अर्थ नहीं आउंदे कोई गल नहीं। और जिन्हां नूं अर्थ आउंदे ने, ओह किहड़े ब्रह्मज्ञानी बण गए ने, इस चक्कर च ना पैणा। बड़े बड़े टीकाकार मौजूद ने, बड़े बड़े व्याख्याकार मौजूद ने, कम से कम जपजी दे उत्ते ही 100 टीके मिल जाणगे, 100 विद्वानां दे टीके। बाकी बाणियां दे उत्ते सैकड़े विद्वानां ने टीके लिखे ने, हजारां गुणी ज्ञानी अर्थबोध दे ज्ञाता ने, नहीं आउंदे अर्थ ते नहीं आवन। मेरे सामने किसी ने पाणी रख्या, एक साइंटिस्ट जानदा है पाणी की है, वास्तविक इसकी बणतर की है, पर मैं नहीं जानता, मैनू नहीं पता।
पर मैनू प्यास लगी, अगर मैं पानी पी लवां मेरी प्यास ते बुझ जाएगी। मैनू ये पुछण दी लोड़ नहीं केड़े दरिया दा पानी है, केड़े सरोवर दा पानी है, कित्थों लिया गया, कित्थों आया, कित्थों भरिया गया, किस तरह ये घरां च पहुंचया। इस सारी लंबी चौड़ी व्याख्या की मैनू लोड़ नहीं, पींदिया मेरी प्यास मिट जानी। पता नहीं इस ते हुण भरोसा बजेगा थोड़ा कि नहीं, नहीं आउंदे अर्थ तां वी ना आवन, गुरबाणी दा पाठ मन नू सकून देवेगा, शांति देवेगा। नहीं आउंदे अर्थ ते ना आवन, गुरबाणी दा पाठ रोशनी देवेगा, चानना करेगा। दीवा बले अंधेरा जाए, वेद पाठ मत पापां खाए। पापां दी मत नू ज्ञान दे ग्रंथ जो ने उन्हां दा पाठ खा जांदा है। वेद तो मुराद ज्ञान, जिन्हां धर्म ग्रंथां विच परमात्मा दा ज्ञान है उसका पाठ कीतियां पाप दी मत वो पाठ खा जांदा है। इस तरह जिमें दीवा जले ते जलदा होया दीवा अंधेरे नू खा जांदा है, अंधेरा मिट जांदा है, मिट जांदे ने पाप। धन गुरु अमरदास जी महाराज के दरबार विच एक ऐसा पुरश पेश कीता गया जिदे बारे उसके रिश्तेदार कहन पातशाह इस नू ते प्रेत चंबड़े ने, भूत चंबड़े ने, सारे घर नू परेशान करता है, तुसी कुछ बख्शिश करो, रहमत करो। इस संबंध च मैं लंबियां चौड़ियां विचारां लिखती रूप च भी दर्ज कीतियां ने, और इस संबंध च मैं कुछ टेपां भी रिकॉर्ड कराईयां सन। कई कोट जक किनर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिरगाच। गुरु अर्जन देव जी सुखमनी साहब, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, कहूं जच गंधर्व उरग कहूं विद्याधर, कहूं भय किनर पिसाच कहूं प्रेत। गुरु गोबिंद सिंह, हे प्रभु मैं तेरी कायनात दिश देखदा कि किधरे ते देवते ने, गंधर्व ने, किन्नर ने, बहुत सोने वजंतरी ने, पर किधरे भूत प्रेत ते पिसाच ने, भटकदियां ही आत्मावां ने, दुखद आत्मावां ने, मैलियां रूहां ने। परिवारक जीवन इतना शरीरक हो गया है, अध्यात्मक रूहानी रूहां दा जन्म ही औखा हो गया है। परिवारक जीवन जद रूहानी सी तो देवत्यां दा आगमन हो रहा सी, देवते आम पैदा होंदे सन। भारत देश ते गिनती कर दे गए 33 करोड़ देवत्यां तक गल मुकाई, इंद्र देवता है। इस चक्र च ना पैना कोई आसमान ते बैठा सी इंद्र, नहीं, जमीन दे ही मनुख सन, पर ज्ञान सी तो देवते सन। विष्णु देवता है, शिवजी देवता है, सुरस्ती देवी है, ब्रह्मा देवता है, इस तरीके नाल गिनती कर दे गए। मैं फिर अर्ज करा, देवते दे अखरी अर्थ ने जिथे दीवा जल गया, ज्ञान प्रकाश हो गया, चानना हो गया, प्रकाश हो गया। इस तरह दे ज्ञानी पुरश घर घर विच पैदा हो रहे सन। परिवारक जीवन बड़ा रूहानी सी, रूहानी रूहां जन्म ले रही सन। परिवारक जीवन जिस दिन का सिर्फ शरीरक ही रह गया, रूहानी नहीं, तो हुण ओ रूहां जन्म ले रही ने जिन्हां नूं गुरबाणी च भूत प्रेत पिसाच आखिया। ये भी मैं अर्ज कर दें, तो हुण रूहानी रूहां ते तरस दियां, गुरबाणी कह रही है, इस देही को सिमरे देव, देवते तरस दे पए ने इस देही वास्ते। बई जिहड़ी रहिंदी है कोई थोड़ी जिहा साधना बंदगी, देव रूहां रूहानी रूहां तो मुराद 100 मील की अगर वाट है तो 90 मील उन्होंने तय कट कर ली है, सिर्फ 10 मील रहती है।
पिछली जिंदगी ने साथ नहीं देता सी, 10 मील टुकड़ा रह गया सी। उस 10 मील नू तय करन वास्ते मनुखा जन्म चाहिदा है। तो हुण किसे रूहानी मां दे राहीं रूहानी रूह दा जन्म हो सकता है, किसे रूहानी पिता दे राहीं, और अक्सर रूहानी मां 90% जिम्मेवार मां है, 10% जिम्मेवार पिता है। गुरबाणी भी मां नू ही जिम्मेवार ठहराउंदी है। कवि तुलसी ने भी माता नू जिम्मेवार ठहराया। उपनिषदां दे ऋषि भी मां नू जिम्मेवार ठहराउंदे ने। ये भी मैं अर्ज कर दें, कुछ नहीं सी प्रहलाद दा पिता, दुष्ट सी हरनाकश, मां स्वास स्वास नाम जपण वाली सी। ये भी मैं अर्ज कर दें, कुछ नहीं सी ध्रुव दा पिता, सारी प्रेरणा मां ने दिती, परमेश्वर आराधिए जिदों होइए पतत पुनीता। फरीदा ते पिता ही गुजर गया सी, यतीम सन, सारी प्रेरणा ही मां तो मिली बाबे फरीद नूं। खुदा दे मार्ग ते तोरे ही मां ने। ये भी मैं अर्ज करा, बच्चे देच 90% मां बोलती है। यही कारण है एशिया देच बच्चा माड़ा है गाल मां नूं कढ़दे ने, हैरानगी है समुचे एशिया च। पहले तो मैं समझदा सी सिर्फ हिंदुस्तान देच है, नहीं, एशिया दे बाकी देशां च भी गाल मां नूं कढ़दे ने। हैरानगी एक कसूर बच्चे ने कीता है, दुष्ट बच्चा है गाल मां नूं। और बच्चा महान है तो गुरबाणी धन धन भी मां नूं कहंदी है, तिन धन जने दी माओ आए सफल से, पूजन योग है ए मां, धनता दे योग है ए मां। जिसने उस बच्चे नू जन्म दिता है जिसका आवना जगत ते सफल होया है, पूजन योग है, महान है। जीवन जद रूहानी सी, देवतियां दा जन्म आम हो रहा सी, और मलीन रूहां उड़ीकदियां रहिंदियां सन, थोड़ियां आउंदियां सन, थोड़ियां नू जन्म मिलदा सी मौका। परिवारक जीवन जिस दिन दा शरीरक हो गया है तो रूहानी रूहां ते टावां टावां जन्म लेंदियां ने, भूत प्रेत जन्म ले रहे हैं। इतने शब्द मैं आखे ने, हो सकता है दिल चुभवे होवन, पर मैं गुरु नानक दा शब्द थोड़े सामने कर देवां सिर्फ अपने बचाव लई। धन गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे ने, कल्ली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार, पुत जनूरा धी जनूरी जोरू जिन्ना दा सिखदार। कलयुग दे च पैदा हो रहे कौन, जिन भूत। पुत्र पैदा हो रहे कौन, जिन भूत। तियां पैदा हो रही कौन, जिन भूत। गुरु नानक, कल्ली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार, पुत जनूरा धी जनोरी जोरू जिन्ना दा सिकदार। ये भी गुरु नानक कोल पुछ लीए, पातशाह ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, जिन भूती क्यों पैदा हो रहे, टीचरां नू मार पै रही है, प्रोफेसर गालां खांदे ने, चाकू छुरी पिस्टल लेके विद्यार्थी पढ़न ले जांदे ने, कलम लेके नहीं, मारन की भावना लेके स्कूल पै जांदे ने, फर्नीचर तोड़न लई कॉलेज पै जांदे ने, अग्गां लाउण वास्ते लोकी स्कूलां दे जांदे पए ने बच्चे। हैरानगी दी गल, क्या स्कूल ए कॉलेज इसलई सन। कल्ली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार, ना मां दे काबू औलाद, ना पिता दे, ना अध्यापक दे, बेमुहारी जिंदगी, आपोधापी जीवन, ऐसा क्यों, इस तरह की औलाद क्यों। तो उसका कारण भी गुरु नानक दसते ने, बड़ा सोहना। मेरे पातशाह कहते ने, रन्ना होइया बोदिया पुरख होए सैया। धन गुरु नानक दे बोल, पहले पातशाह जी की बाणी है। रन्ना होइया बोदिया
पुरख होए सयाद सील संजम सुच बन्नी खाना खाज अखाज शर्म गई घर आपने पथ उठ चली नाल। मैं पढ़ रहा सी बाबा आदम दी कथा। इस्लाम ईसाईत यहूदी पारसी करीबन करीबन मनुखता दी गल बाबे आदम तो शुरू कर देना। कल्ला बाबा आदम उसनु स्वर्ग दे चों धकेल दिता गया, जमीन ते भेजिया खुदा ने, क्योंकि खुदा दी आज्ञा दी उसने उलंघना की थी। उन्हों स्वर्ग चो कढ दिता गया। कहानी उन्हों दी समझाण दा ढंग पिछोकड़ दे च जो कुछ हो सकता है तत्थ वह भी जो है समझण वाले ने, पर मुख्तसर मैं अर्ज करा। फिर बाबा आदम कले तो कहिंदे ने बाबे आदम दी पसली तो ईव बनाई, औरत बनाई, स्त्री बनाई, ये दो बने। समझ पहली जो इना दोहां नूं आई एक दिन कि पशु नंगे ने असी भी नंगे हैं, ये समझ आई। ये जो चार किताबां ने अरब देश देच, मिडल ईस्ट देच पैदा होए धर्मां दियां, चाहे वह यहूदी ने, पारसी ने, इस्लाम है, ईसाइयत है, बाबे आदम तो शुरू होंदे ने, ईव तो शुरू होंदे ने। इन्हां नूं ख्याल आया पंछी नंगे ने, पशु नंगे ने, असी भी नंगे हैं। नगनता दा ख्याल आया, दरख्तां दे पत्तियां नाल तन ढकिया। पहली समझ इत्थों चली। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने विस्माद नांगे फिरे जंत, मनुख दे अंदर शर्म पैदा हुई, उसने ढकिया अपना तन ढकिया। पर हे प्रभु तेरी कायनात दिच मैं देखदा पशुआं नूं चूंके समझ नहीं तो शर्म भी नहीं, ना समझी बेशर्मी है, समझ शर्म है, गुस्ताखी माफ। ना समझी बेशर्मी है, बेशर्मी ना समझी है, शर्म अकल है, समझ शर्म है। इसनों इस तरह लेना, समझ शर्म है, समझ आई शर्म आई, असी नगना। इस समझ पशुआं कोल नहीं है। विस्माद नांगे फिरे जंत, गुरु नानक देव जी कहिंदे ने हे प्रभु पशु ते अजे भी नंगे घूम रहे हैं। भाव पशु भी किसे दिन मनुख बनन गए, इन्हां दे अंदर भी शर्म दा मादा पैदा हो सकदा है, ये भी अपना तन ढकण गए। पर साहिब कहिंदे ने हुण पशुआं दी तरह मनुख भी इतना ना समझ हो गया ते ना समझी जन्म देंदी है बेशर्मी नूं। रन्ना होईयां बोधियां, पुरख होए सयाद सील संजम सुच बन्ने, खाना खाज अखाज शर्म गई घर आपने पत उठ चली नाल, नानक सच्चा एक है अवर न सच्चा बार। महाराज कहिंदे ने स्त्री इतनी चंचल हो गई, उस शरीर की नुमाइश दे जुट गई, उसका सारा समा, उसकी सारी सोचनी शरीर की नुमाइश। पुरख होए सयाद, थोड़े बहुत जो फारसी जानते हैं सयाद के अर्थ समझते हो गए। सयाद कहते ने शिकारी नो, जालम शिकारी, दुष्ट शिकारी। पुरुष की है शिकारी है, स्त्री की है चंचल हो गई, दोहें ना समझ हो गए ते दोहां कुल बेशर्मी। एक चंचल हो गई, एक शिकारी हो गया। गुरु नानक रन्ना होइया बोधियां, मैं फिर अर्ज करा, मैं गृहस्थी हाँ, बाल बच्चे दार आदमी हाँ, किसी ते अटैकबाजी नहीं कर रहा, मैं किधरे होर ख्याल ना ले लेना, सतगुरु की बाणी आप नूं सरवण करा रहे हैं। रन्ना होइया बोधियां, पुरख होए सयाद सील संजम सुच बन्नी, खाना खाज अखाज शर्म गई घर आपने नहीं रही, पत उठ चली नाल, नानक सच्चा एक है अवर न सच्चा वार। हुण इस तरह जब जिंदगी होवे स्त्री ते पुरुष दी,
तो फिर गुरु नानक कहते जिन भूत पैदा होंगे और की पैदा होंगे, कल्ली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार, मैलियां रूहां पैदा हो गया इस दे ही को सिमरें देव, देवते ते तरसदे पए ने, देवत्यां दा जन्म बंद हो गया, रूहानी रूहां किसे रूहानी मां दे राही आ सकते ने, ध्रुव आया है रूहानी ये बच्चा अपनी मां दे राही, प्रहलाद आया है रूहानी बच्चा अपनी माता करके, बाबा फरीद आया है खुदा शनास अपनी मां करके, तिन धन जने दी माओ आए सफल से, अखां खोलियां जिस दिन समझ आई सी फरीद नूं पिता ते है ही नहीं सी, यतीम सन, पिता चलाना कर गया सी, मां ने पाले है, मां ने वड्डा कीता है, खुदा वाले पासे मां ने तोड़े है, मतरेई मां ने ध्रुव नूं पिता दी गोद च उठा दिता सी और आख्या सी भुल के भी कदी प्यो दी गोद च बैठे ना, तो पिता दी गोद उसनूं फिर नसीब भी नहीं हुई, परमात्मा दी गोद विच बिठाण दा सुभाग ध्रुव दी मां दा है, परमेश्वर आरा दिए जिदों होइए पतित पुनीता। तो खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करां, चंगियां रूहानी रूहां किसे रूहानी मां दे राही आ सकदी है, समाजिक जीवन इतना भ्रष्ट हो गया, चंगियां आत्मावां दा पैदा होना बंद हो गया, यही कारण है कि धर्म व्यर्थ दा कर्म कांड बनता जा रहा है, सुन्ने हो गए चर्च, उजड़ गई मस्जिदां, नाम मात्र रह गए ने मंदिर, सिर्फ घड़ियाल बजा रहे है पुजारी, इतवार वाले दिन माड़ा मोटा कठ गुरुद्वारियां च, वह भी रौनक ज्यादा, लंगर दी संगत दी रौनक नहीं, पंगत दी रौनक, ऐसा जो है दिखाई दे रहा है, गहराई नहीं रही, क्यों सुनना नहीं, स्रोत नहीं रही, कारण इतनी उच्ची ये गल है, इतनी उच्ची गल है सिर दे उपरों लंघदी है, दो बंदियां दा कदई तालमेल नहीं बैठता इस समय, एक दा ते किसे वक्त ताल नहीं बैठिया सी पागल दा, उसकी गल पैरां दे थलों लंघदी है, और संत दी गल अवतार दी गल सिर दे उपरों लंघदी है, पागल काबले कबूल नहीं, पागलखाने भेजना पेगा, संत भी काबले कबूल नहीं, तत्ती तवी ते बिठाना पेगा, सूली ते लटकाना पेगा, इतनी उच्ची गल करदा है हंकार नूं चोट लगदी है, मनुख दे अहंग नूं चोट लगदी है, कोई कतल ते नहीं कीता सी गुरु अर्जन देव जी ने, कोई चोरी यारी दा इल्जाम ते नहीं, कोई देश द्रोही ते नहीं, कोई बगावत ते नहीं, इतनी उच्ची गल, इतनी उच्ची गल एक शहनशाह दे हंकार नूं चोट लगदी सी, और कुछ नहीं, ईसा ने कोई अनर्थ ते नहीं कीता सी, सूली ते लटका दिते गए, इतनी उच्ची गल हंकार नूं चोट लगदी सी, गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दा इतना ही कह देना कि मैं कमजोर दी बांह पकड़दा, तो जो लोगां दियां बांहां कटण वाले सन, गर्दना तोड़न वाले सन, उन्हां दे हंकार नूं सट लगी है, ये बांह पकड़ देने, यही कारण पिंजरे च बंद कीता औरंगजेब ने, वड्डे तो वड्डे दुष्ट चोर ते यार नूं भी इस तरह दियां सजावां नहीं दित्तियां गईयां जो संत महापुरुष ते अवतारां नूं दित्तियां गईयां, कारण एक दी गल इतनी उच्ची, इतनी उच्ची सिर दे उपरों लंघदी है, कन्न थोड़े बंदा उच्चे करे, स्रोत उच्ची करे ते सुन सके, ते एक दी गल इतनी नीवी है पैरां दे थलों लंघदी उस ते तरस आ जांदा है, क्योंकि हंकार नूं चोट नहीं लगदी, एक दी गल बड़ी उच्ची है, अगर इस उच्ची गल नूं कोई अपनी उच्ची स्रोत दे नाल सुन लवे तो महाराज कहिंदे नानक भगतां सदा विगास, सुणीए दुख पाप का नास, सुनदिया ही दुख नाश हो जाएंगे, सुनदिया ही पाप नाश हो जाएंगे, और सुनन नाल जो मानसिक मंडल दे तब्दीली आवेगी ते जो कुछ गैबी शक्तियां दी प्राप्ति हो सकती है, इन्हां चार पौड़ियां दे जिस ढंग नाल सतगुरु ने खुलासा कीता है तरतीब अनुसार मैं थोड़े सामने कल रखण दी निमाणी कोशिश करांगा, समझ ज्यादा ना लवां,
एक शब्द गुरु के कीर्तनिया ने गायन करना है, आनंद साहब का पाठ होके समाप्ति। तुसी अपना मन बना के आयो तो इसनों फिर मैं कल तो खोलांगा। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। सारे का हार्दिक तौर पर धन्यवाद। बोल चुक दी शमा। वाहिगुरु जी का खालसा। वाहिगुरु जी ज्ञान दासागे, ज्ञान दासागे, ज्ञान दासागे, ज्ञान दासागे।